बिजनौर जनपद के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार कर देने का मामला सामने आया, जहां खेत में लकड़ी बीनने गई एक नाबालिग बच्ची को एक दरिंदे ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। दरअसल पीड़ित नाबालिग बच्ची अपनी दो छोटी बहनों के साथ खेत में लकड़ी बीनने गई थी, जहां आरोपी युवक टिंकू पास में ही अपने खेत में काम कर रहा था। लकड़ी चुगते हुए पीड़ित बच्ची ने आरोपी युवक से लकड़ी तोड़ने के लिए मदद मांगी तो आरोपी ने लकड़ी तोड़ने के बहाने बच्ची का मुंह बीच लिया और दूसरे खेत में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। वहां मौजूद पीड़ित बच्ची की दो बहनों के शोर मचाने पर पास के ही खेत में काम कर रहे एक व्यक्ति ने उनकी आवाज सुनी। तब उस युवक ने वहशी दरिंदे के चुंगल से पीड़ित बच्चे को आजाद कराया और घर भेज दिया। पीड़ित बच्ची ने अपनी आप बीती परिजनों को सुनाई तो मौके पर पहुंचकर परिजनों ने युवक की तलाश की, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। दुष्कर्म की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई, जिसको पुलिस ने दर्ज करके कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव शाहपुर निवासी आरोपी युवक टिंकू पुत्र अतरपाल को गिरफ्तार कर लिया। SC ST व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। हम लकड़ी चुग रहे थे तो हमने एक मोटी सी लकड़ी उठा ली तो हमने उससे मदद मांगी कि वो हमारा तोड़ दे, तो उसने कहा उनका उधर टूट जाएगा। तो मैं चली गई थी, मैं कह रहा था वो एक जाइए तो हम एक मेरा मुंह बीच का मुझे एक मुँह ले गया, मैं हाँक मार रही तो वो मेरा मुंह बीच का एक में ले गया। मेरे साथ बदतमीजी की थी उसने। कोतवाली देहात में एक मामला पंजीकृत कराया गया, जिसमें एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला था। इसमें 26 वर्ष का जो व्यक्ति अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और चूंकि बच्ची जो है वो शेड्यूल कास्ट की, तो SC ST का मुकदमा पंजीकृत करके क्षेत्राधिकारी द्वारा इसकी विवेचना की गई है, खड़ी की जा रही है, और उस अभियुक्त को जेल में न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है, वहाँ से उसको जेल भेजा जाएगा।